मैं किस तरह से अपने इन फ्लैट फाइन हेयर को इनसेन गॉर्जियस वॉल्यूम में कन्वर्ट करती हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। आफ्टर वॉश टॉवल ड्राई हेयर पर मैं अप्लाई करती हूँ हेयर सीरम और ये लिवॉन का सीरम है। स्ट्रेटनर की बजाय हॉट ब्रश का यूज करती हूँ, इससे बालों में अच्छा वॉल्यूम आता है। ये आपको दराज से मिल जाएगा 3000 एंड समथिंग का। अपर डायरेक्शन में यूज करना है, इससे बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। आफ्टर यूजिंग दिस हॉट ब्रश यू कैन सी बालों में काफी अच्छा वॉल्यूम एड हो चुका है। मान लो कि मुझे किसी फंक्शन पर जाना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे भी ज्यादा गॉर्जियस वॉल्यूम मिले और वो वॉल्यूम मेरे बालों में काफी देर तक स्टे करे, तो मैं इन हेयर रोलर्स का यूज करूंगी। तो क्राउन एरिया से मैं स्टार्ट करूंगी, यहाँ से मैं बालों का एक थिन सेक्शन उठाऊंगी और इसको थोड़ा सा ना मैं वार्म करूंगी इस हॉट ब्रश के साथ। हीटअप करने के बाद मैं इस रोलर को कर रही हूँ अप्लाई इस तरफ से, ये देखिए, और इस क्लिप के साथ इसको मैं कर दूंगी सिक्योर। ये जी, इस सेक्शन को भी इस तरह से हीट अप किया एंड इट्स डन। तीन रोलर्स मैंने ऊपर की तरफ अप्लाई किए हैं और एक एक जो है ना यहाँ पे साइड पे कर लूंगी। वैसे तो ये फुल हेयर पर लगते तो ज़्यादा मज़ा करवाते, पर मेरे पास ओनली 6 रोलर्स हैं जो कि मैंने 3 क्राउन एरिया पर लगा लिए और 2 इस तरह से साइड्स पर लगा लिए। यहाँ पे हम अब करेंगे सेटिंग स्प्रे का यूज़। अब मैं इनको 25 से 30 मिनट तक रखूँगी और इस दौरान मैं करूँगी अपना फेस डन, तो मिलते हैं फाइनल रिजल्ट्स के साथ। ओके जी, फेस हो चुका है मेरा बिल्कुल डन और अब हम इन रोलर्स को करते हैं ओपन। OMG, सीरियसली ये जो वॉल्यूम है ना लुकिंग अमेजिंग, और अगर मैंने फुल हेयर पे रोलर अप्लाई किया होता ना तो ये और भी मजा करवाते। मैं अपने बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, तक दी ही जावां ना तेनू जावां, नजरां तेरे तू ना हटावां मैं। होप दिस हेल्प।